कोरोना के तीसरा लहर ले अभी इनकार नहीं करे जा सके। हालांकि अभी के स्थिति में लोगन में कोरोना के डर के खत्म होना और ये तिहारी सीजन में बिना मास्क और सामाजिक दूरी के पालन नहीं करना अवैया कल बर घातक सिद्ध हो सकत है, जेखर आगामी परिणाम ल देखत हुए ये महामारी ले सुरक्षा के मद्देनजर कासा संस्था रतनपुर के द्वारा जनहित के दिशा में सार्थक कदम उठाए गए। अवैया दिन में कोरोना महामारी के संभावित तीसरा लहर ल नकारे नहीं जा सके, जिला देखत हुए बछर 2002 ले छत्तीसगढ़ के अलावा रतनपुर और आसपास के ग्रामीण अंचल में जन सहयोग के भावना ले निस्वार्थ काम करैया समाज सेवी कासा संस्था रतनपुर के द्वारा तब ले के अभी तक जरूरतमंद मन के मदद के भावना ले ऐसे कई कार्य करे जाते, जेकर तहत अवैया दिन में संभावित कोरोना महामारी के तीसरा लहर ले निपटे के तैयारी में ये संस्था के द्वारा रतनपुर कोटा मार्ग लखनी देवी मंदिर परिसर में स्थित महामाया कोविड सेंटर ल 10 ठन जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर और 1000 नग मास्क निःशुल्क प्रदान करे गई। ये दौरान मंदिर ट्रस्ट डॉक्टर स्टाफ और नगर के जनता यहाँ उपस्थित रहें, जे मैंखर द्वारा करे गए सराहनीय कार्य पर नगर में प्रशंसा करे जावत है। अक्टूबर 2021 को ये ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं और कोविड केयर सेंटर लखनी में, लखनी माता मंदिर में, रतनपुर में, और इसी तरह से हमारा पूरा छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है। जहाँ जहाँ से भी हमको ज़रूरत ऐसी मांग आ रही है वहाँ पे हम इसकी पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है आने की, उसकी तैयारी पहले से ही कासा ने करके रखी हुई है कि जहाँ पर भी ज़रूरत होगी कासा आगे आकर उसकी मदद करेगा। जब पूरा छत्तीसगढ़, पूरा हमारा देश बंद था, तब कासा ने सामने आकर सबकी मदद की है और पूरी तरीके से कार्य कोरोना में राहत पहुंचाने की कोशिश की है। आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि कासा संस्था द्वारा हमको 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है और ये इसकी उपयोगिता जब होगी, जब कोरोना की तीसरी लहर वापस आएगी, और संभावना ये है कि जब भी है, लेकिन ऐसी हम लोग की कोशिश ये है कि ये लहर ना आए। ये कोविड सेंटर रतनपुर को दिया गया है कासा संस्थान द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है और साथ में 1000 N95 मास्क दिया गया है। यह संस्था लगातार समाज सेवा का काम करती रही है और हमारे पास सिलेंडर की, वैसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी हमारे महामाया कोविड हॉस्पिटल में। अगर भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति आए, थर्ड वेव आए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी और मरीजों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी।